एक तरफ जहां देश में कोरोना वायरस के कहर के चलते कई सारी इंडस्ट्रीज को लॉस बियर करना पड़ रहा है और इंडस्ट्रीज को बंद करने पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी खबर हमारे पास आ रही है कि फेसबुक ने इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की होली ओन सब्सिडियरी कंपनी जिसका नाम है रिलायंस जियो, उसकी 9.99% की स्टेक होल्डिंग परचेज कर ली है। देखा जा रहा है कि अभी तक ये हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर की बहुत बड़ी एफडीआई है और दोस्तों इसका जो एग्रीमेंट हुआ है वो 5.7 बिलियन US डॉलर में हुआ है। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 43,574 करोड़। देखने में ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन जरूर उठेंगे। वो क्वेश्चन क्या कि आखिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के पीछे फेसबुक का क्या रीजन है और इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्या बेनिफिट पहुंचेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि क्या बेनिफिट रिलायंस को पहुंचेंगे और क्या बेनिफिट फेसबुक को पहुंचेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। तो एक नजर हम सबसे पहले डालते हैं इसकी मीडिया रिलीज की। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये एग्रीमेंट रिलायंस का और फेसबुक का 22 अप्रैल 2020 को हुआ और आप ये देख सकते हैं कि इस मीडिया रिलीज के अंदर आपको नजर आ रहा है कि फेसबुक जो है वो इन्वेस्ट करेगा 43,574 करोड़ रुपीस जियो प्लेटफॉर्म में और ये 9.99 की हिस्सेदारी जो है स्टेक होल्डिंग का होता है हिस्सेदारी वो बता रही है यहां पर और ये बहुत ही लार्जेस्ट एफडीआई है इंडिया में। किसके लिए? माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मैं माइनॉरिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे कोई फेसबुक के पास मेजर होल्डिंग नहीं है, ये उसके पास माइनर होल्डिंग है जो कि 10% से भी कम है और ये एक पार्टनरशिप है जिसमें हम लोगों को और लोगों के बिजनेस को सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आज फेसबुक ने की है, हो सकता है ये 2-3 दिन बाद या 2-3 साल बाद ये वापस ले ले, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप नीचे के पैराग्राफ में देख पा रहे हो, मैं एक बार रीड कर देता हूं कि मुंबई अप्रैल 22, 2020 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड एंड फेसबुक INC लिमिटेड टुडे अनाउंस एंड साइनिंग ऑफ बाइंडिंग एग्रीमेंट। दोस्तों जो बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इस बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब है कि ऐसे में जो एग्रीमेंट किए थे वो लॉन्ग टर्म पर्पस के होते हैं, ये शॉर्ट टर्म पर्पस के नहीं होते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 43,574 करोड़ की हुई है जो फेसबुक के द्वारा की गई है और ये इन्वेस्टमेंट एज्यूम की जा रही है कि ये किस रेट पर निर्धारित होगा, 70 रुपए डॉलर के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा और ये जो फेसबुक की इन्वेस्टमेंट है ये 9.99 इक्विटी स्टेक को दिखाती है रिलायंस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो बताओ ये आपको चीज, ये जो रिपोर्ट है, आई होप कि आपको इस रिपोर्ट से कई सारे क्लू निकल गए होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को ओपन करेंगे तो ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि इस डीलिंग से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्या बेनिफिट पहुंचेगा। दोस्तों हमने इसके बेनिफिट को 3 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी जिसकी तारीख है 12 अगस्त 2019। दोस्तों उसमें मुकेश अंबानी ने कहा था कि आने वाले टाइम के अंदर यानी 31 मार्च 2021 तक हम अपनी कंपनी की जितनी भी उधारी है वो पूरी चुकता कर देंगे और कंपनी को डेट फ्री कंपनी बना देंगे। दोस्तों शायद उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जितनी भी उधारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम हमने की वो सारी उधारी हम चुकता कर देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब जियो की फॉर्मेशन की थी तो वो फॉर्मेशन 2010 में हुई थी और उस फॉर्मेशन को करने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे जिसमें कई जगहों से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पैसा उधार लिया हुआ था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की उधारी 1.53 लाख करोड़ की है आज की डेट में। दोस्तों ये जो आप उधारी बची है, आप जो भी पैसा अपनी स्टेक होल्डिंग को बेच के रिलायंस को मिलेगा वो इस उधारी को निपटाने में वो अपना लगा देगी, तो ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी, यही इसका सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जो पहुंचेगा वो ये कि जो टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स की रिलायंस के पास नहीं थी, अब वो ई कॉमर्स वाली टेक्नोलॉजी वो फेसबुक से हायर करके अपनी इंडस्ट्रीज को फायदेमंद बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकता है। और बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की। तो दोस्तों तीसरा बेनिफिट जो रिलायंस को पहुंचेगा वो है रिलायंस
स्टोर। दोस्तों रिलायंस स्टोर आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले रिलायंस के कई सारे रिटेल स्टोर्स हुआ करते थे जो अब आज के डेट में बंद हो चुके हैं। दोस्तों अब वो उनको एक विशाल मेगा मार्ट या कह लो कि वॉलमार्ट की तरह एक बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करेगा और वहां पर क्या होगा फेसबुक की हेल्प से वो कस्टमर को अपने यहां पर कनेक्ट करेगा और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उन्हें व्हाट्सएप से प्रोवाइड कराएगा। और आप जानते हो कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक की ही कंपनी, क्योंकि फेसबुक ने उसको परचेज कर लिया है। तो यहां पर वो किराना स्टोर्स को, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी फेसबुक के माध्यम से। जिसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जांपल ये है कि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं लोग उन्हें ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद रिलायंस क्या करेगा, बीच में एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जिसमें हर ऑर्डर के बदले वो क्या लेगा, उसे कुछ कमीशन लेगा। इसके बाद दूसरा, जब वो पेमेंट करेगा, पेमेंट करते टाइम आप लोग क्या करते हो, अमेजोन पे का यूज करते हो, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, भीम पे, इन सब चीजों का यूज करते हो, लेकिन वो एक नई एप्लीकेशन निकालेंगे जिसे बोला जाएगा व्हाट्सएप पे, जहां पर आप व्हाट्सएप की हेल्प से पूरी पेमेंट कर पाओगे। इससे फेसबुक को भी फायदा पहुंचेगा और उससे भी बड़ा फायदा एक प्लेटफॉर्म किसको मिल जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फेसबुक को इस डील करने से क्या क्या बेनिफिट पहुंचेंगे। दोस्तों क्या क्या बेनिफिट पहुंचेंगे ये जानने के लिए आपको बहुत ही जरूरी है ये जानना कि भारत में जो कुल आबादी है वो 135 करोड़ की है और ये विश्व में दूसरे स्थान पर आती है जनसंख्या के मामले में। ठीक इसी तरह भारत विश्व भर में दूसरे स्थान पर आता है इंटरनेट यूसेज के मामले में। जी हाँ दोस्तों, चाइना के बाद सेकंड नंबर भारत का आता है इंटरनेट यूसेज के मामले में। इसका मतलब फेसबुक को ये नजर आ गया है कि भारत में इंटरनेट यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे सुबह उठते के साथ फेसबुक देखते हैं, सोते टाइम फेसबुक देखते हैं, सोते टाइम भी वो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो। तो यानी देखा गया कि यहाँ पर यूजर मैनुअल जो इंटरनेट पे है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो उसके लिए इंडिया जो है वो इंडिया एक फैमिली नहीं बल्कि एक मार्केट है। इंडिया क्या है, मार्केट है। अब देखो मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। हमारे यहाँ पर जो यूजर्स हैं उसमें जो फेसबुक यूजर है वो 328 मिलियन यूजर्स हैं। बात करते हैं व्हाट्सएप की तो 400 मिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप के इंडिया में, और बात करते हैं इंस्टाग्राम आईडी के तो 80 मिलियन यूजर्स हैं इंस्टाग्राम आईडी के। तो फेसबुक ने देख लिया कि इंडिया के अंदर जो यूजर लॉट है वो बहुत ज्यादा है, इंटरनेट इनको चाहिए ही चाहिए, मतलब कुछ हो ना हो लेकिन इंटरनेट होना चाहिए। तो ऐसे में फेसबुक अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया का एक मार्केट के तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। और ये इस्तेमाल वो तब कर पाएगी जब उसका पैर और जो कब्जा है वो इंडिया पे आ जाए। वैसे तो ऑलरेडी था ही इसके थ्रू, लेकिन अब वो कब्जा स्टेक होल्डिंग के थ्रू भी इंडिया में आ चुका है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फेसबुक ने ये जो होल्डिंग ली है इससे किस टाइप का कब्जा है। हम ऑलरेडी फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप भी जो फेसबुक है वो भी यूज कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम भी जो फेसबुक है वो भी यूज कर रहे हैं, फिर खरीदने की क्या जरूरत थी। दोस्तों खरीदने की जरूरत ये थी कि इस टाइम एक सबसे बड़ा युद्ध टिकटॉक का, जो कि भारत में बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, अराउंड आप देख लो कि उसके 200 मिलियन यूजर्स इंडिया में है टिकटॉक के। तो फेसबुक ने सोचा कि इतने सारे जब यूजर्स ऑलरेडी भारत में है तो क्यों ना टिकटॉक को रिप्लेस करके एक अपना ही एप्लीकेशन ला लिया, जिस एप्लीकेशन का नाम है लासो। आप देख सकते हैं कि लासो एक नई एप्लीकेशन जो फेसबुक टिकटॉक की ही तरह लेकर आ रही है और ये टिकटॉक को रिप्लेस कर देगी लासो से। और ये रिप्लेस करने के लिए उसे जो मार्केट चाहिए, और वो मार्केट कहां दिखा उसे, इंडिया के अंदर दिखा। तो ये वो रीजन है जिसके चलते उसने स्टेक होल्डिंग लिए। वैसे रीजन और भी कई सारे हैं लेकिन मेजर रीजन उसका यही है, और आने वाले टाइम के अंदर वो टिकटॉक को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, ऐसा मार्क जुकरबर्ग का कहना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से टिकटॉक रिप्लेस होता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी टिकटॉक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका जो भी रेवेन्यू है वो चाइना को जाता है और चाइना ने कोरोना वायरस के चलते कितना इकोनॉमिक स्लोडाउन कर लिया है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स फंडा के बारे में। जी हाँ, इस डील से हमारी इकोनॉमिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने मार्केट चैप्टर में पढ़ा था कि कई टाइप के मार्केट होते हैं, या तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ड्यूओपोली मार्केट। तो दोस्तों इस टाइम पर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कोई ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं हमारे इंडिया में, जैसे आपका एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, वैसे वोडाफोन और आइडिया एक ही हो चुके हैं, इसके बाद आपका जियो हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया। तो कुल मिला के 4-5 कंपनियां हैं, देखा जाए तो ये एक ओलिगोपोली का बेस्ट एग्जांपल बन जाता है यहां पर। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जियो अपने आप को और एक्सपेंड करेगा, मतलब इस स्टेक होल्डिंग को बेचकर जो कंपनी के पास पैसे आएंगे वो पैसे इतने ज्यादा मात्रा में होंगे कि उसकी स्टेक होल्डिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और ऐसे में वो छोटी छोटी कंपनी को तो वैसे ही उखाड़ फेंकेगा, जैसे आपका वोडाफोन हो गया और आइडिया हो गया, ये मर्ज हो जाएंगे ना तो भी काम नहीं कर पाएंगे, ये उसको उखाड़ फेंकेगा। तो मार्केट में एक
लीडर बचेगा जो कि है एयरटेल, यानी डियोपोली की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ दो ही सेलर होंगे हमारे इंडिया के अंदर, और ऐसे में कंपटीशन कम हो जाएगा, वो एक तरह से मोनोपोली पावर का फायदा उठाएंगे डियोपोली में रहकर, और इसका सीधा घाटा और सीधा नुकसान किसको होगा, कस्टमर को होगा, क्योंकि जब कस्टमर के पास अनलिमिटेड वैरायटीज होती हैं तो प्राइस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, लेकिन यहां पर सिर्फ दो ही कंपनियां होंगी तो ऐसे में प्राइस हाई होंगे और कंज्यूमर को खरीदना उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो इस पूरी स्टेक होल्डिंग को खरीदने से ये वो नुकसान होंगे जो एक आम इंसान को बियर करने पड़ेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो इन दिस यूट्यूब चैनल। Apart from that, if you want to join with us on Facebook, Twitter or Instagram ID, the link is given in the description box. And stay tuned with us because economics easy hai.